सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक देना चाहता हूँ, एडवांस ईद मुबारक, क्योंकि इंशाल्लाह ताला 2 दिन बाद ईद है। अल्लाह ताला हम सब के जो रमज़ान मुबारक के रोज़े हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप टाइप टाइप वीडियो कैसे बनाएंगे, जैसे कि लोग वीडियो बनाते हैं स्लो मोशन बनाते हैं या पोट्री करते हैं और इन पर वो ऊपर लिखाई लाते हैं, जैसे पुश्तों में लोग शायरी करते हैं या कौल ज़रीन पेश करते हैं या उर्दू में पेश करते हैं, इंग्लिश में पेश करते हैं, तो वो लिखाई वो वीडियो पर ऊपर आती है, तो वो आप कैसे करेंगे। इनके लिए बहुत से तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा कि आप टाइप टाइप वीडियो कैसे बनाएंगे। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 2-3 और तरीके भी बताऊंगा कि आप टाइप स्टेप वीडियो कैसे बना सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ सिंपल तरीका जो हर कोई बना सकते हैं, हर कोई के लिए, हर किसी के लिए आसानी होगी। इस तरह होगा कि सबसे पहले आप, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी पुश्तू वीडियो है, पुश्तू की लिखाई अपने वीडियो पर लाते हैं, तो सबसे पहले आपको यूट्यूब खोलना होगा। यूट्यूब खोलने के बाद आप सर्च में फॉर एग्जांपल ईद के बारे में, द अख्तर पर बारे जैसे वीडियो जोड़ा पुश्तू में, ईद के बारे में आप सर्च में लिखेंगे ईद मुबारक पुश्तू वीडियो ग्रीन स्क्रीन, ईद मुबारक पुश्तू वीडियो ग्रीन स्क्रीन, इस तरह आप सर्च करेंगे। इस तरह सर्च करने के बाद बहुत से वीडियोस आएंगे जो ग्रीन स्क्रीन के होंगे, इन पर ऊपर लिखाई होगी ईद के बारे में, ईद मुबारकी के बारे में। आप इस किसी भी वीडियो को आप डाउनलोड कर दें जो आप चाहते हैं आपको अच्छा लगे। YouTube वीडियो डाउनलोड करने के लिए मैंने तरीका आपको समझाया, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देखें तो आपको पता चल जाएगी कि आप YouTube वीडियो को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब आप ये वीडियो डाउनलोड करें जो मैंने आपको बताया ग्रीन स्क्रीन वाला, इसके बाद आप कैन मास्टर को खोलें। कैन मास्टर को खोलने के बाद आप जो वीडियो ने आप पहले से बनाया होता है अपना वीडियो वो आप कैन मास्टर में खोलें। इसके बाद आप जो लेयर पर क्लिक करें, लेयर पर क्लिक करने के बाद अभी आपने जो यूट्यूब का वीडियो डाउनलोड किया है इन पर क्लिक कर दे और उनको अपने वीडियो पर ऊपर लेयर लगाए, अपने पहले वाली वीडियो पर ऊपर लगाए। इसके बाद आप कैन मास्टर में जो क्रोमा की ऑप्शन है उन पर क्लिक करें तो आपकी जो ग्रीन स्क्रीन है वो हट जाएगी और आपकी वीडियो पर ऊपर जो है वो लिखाई शो होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।